विश्व हिंदू परिषद के दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति संगठन के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में दुर्गा अष्टमी पूजन एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य वक्ता गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुषमा पांडे और विशिष्ट अतिथि के रूप में चारू चौधरी मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुधा मोदी ने किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथियों द्वारा माँ जगत जननी अम्बे के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात सभी बहनों ने शस्त्र की पूजन की और कहा कि आज के बदलते परिवेश में और जिस प्रकार हिंदू विरोधी शक्तियां सामने आ रही हैं, माताओं बहनों की भूमिका बढ़ जाती है। वह अपने आने वाली पीढ़ी को हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार रूपी दूध का पान कराएं, ताकि वह आगे बढ़कर सशक्त हिंदू समाज के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके और बदलती परिस्थितियों में माताओं को भी शास्त्र के साथ शस्त्र को भी धारण करना पड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए उत्तरी भाग मातृ शक्ति की संयोजिका रागनी श्रीवास्तव ने कहा, ओम जय अम्बे गौरी। मल से दो नैना चंद्र बदन नी को, ओम जय अम्बे गौरी। मंत्र समान करे वज्रता के हरि वाहन राज के दुख हारी। ओम जय अम्बे और भारत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। सुंदर मान माता रागनी श्रीवास्तव। आज दुर्गा अष्टमी का शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है। विश्व हिंदू परिषद के महानगर संयोजक रागनी श्रीवास्तव और हम लोग अष्टमी पूजा का आयोजन रखे हैं यहाँ पे और शस्त्र पूजा का आयोजन रखे हैं। और क्या क्या यहाँ पे शस्त्र पूजन हुआ है और दुर्गा अष्टमी का हम लोग कार्यक्रम यहाँ पे रख रहे हैं। माँ दुर्गा के आठवीं शक्ति का नाम ही क्या नाम है, माँ नाम गौरी माँ दुर्गा का है। माँ दुर्गा के आठवीं शक्ति का नाम माँ गौरी है और माँ दुर्गा अष्टमी की माँ गौरी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा सारी कामनाओं को पूरा करती हैं और जीवन के सारे कष्टों को हरती हैं, तो इसलिए हम लोग आज हम लोग मातृशक्ति सारी बहनें माते बहनें सभी को इकट्ठा करके हम लोग माँ दुर्गा का पूजा कर रहे हैं और शस्त्र का पूजन कर रहे हैं यहाँ पर और सारी माताओं के इकट्ठा करके हम लोग और अपने मातृशक्ति के लिए हम लोग सभी बहनों को और दुर्गा वाहिनी को हम लोग एक शक्तिशाली बना रहे हैं और इस चूँकि अपने लिए और कोई भी अगर कहीं किसी माता बहनों को दिक्कत हो तो हम लोग सक्षम रहें, ऐसे ऐसे माताओं को हम तैयार कर रहे हैं और दुर्गा वाहिनी बहनों को तैयार किया जा रहा है।